हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी सेकंड सैम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूनिट 3 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए एम्पलीफायर क्या होता है। एम्पलीफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के काम आता है। देखिए स्टूडेंट्स, वो वीक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास करंट सिग्नल की फॉर्म में हो सकता है, वोल्टेज सिग्नल की फॉर्म में हो सकता है, पावर सिग्नल की फॉर्म में हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डिस्कस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो आप सर्किट डायग्राम कैसा बनाएंगे, आइए वो देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो ट्रांजिस्टर यूज किया है एज एन एम्पलीफायर, वो यूज किया है एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। जैसा कि आप जानते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर में, किसी भी ट्रांजिस्टर में हमारे पास दो पीएन जंक्शन होते हैं और तीन टर्मिनल्स होते हैं। तीन टर्मिनल्स कौन कौन से होते हैं? एक होता है कलेक्टर, एक होता है एमिटर, एक होता है बेस। यहां पे हमें एमिटर को कॉमन करना है। एमिटर को कॉमन किया गया है इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट के बीच में, इसलिए इसको बोला जाता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज किया है। कलेक्टर हमारा एन टाइप का बना होगा, बेस हमारा पी टाइप का बना होगा, एमिटर हमारा एन टाइप का बना होगा। करंट जो है हमेशा पी टू एन फ्लो करता है, तो एरो की जो डायरेक्शन होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर में, वो ऐसे होती है, नीचे की तरफ होगी अगर आप ऐसे ड्रॉ करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाने के लिए जो इसका इनपुट सर्किट होता है, जो कि हमारा यहाँ पर इनपुट सर्किट कौन होगा? एमिटर बेस सर्किट होगा। और आउटपुट सर्किट हमारा क्या होगा? कलेक्टर एमिटर सर्किट होगा। ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम करवाने के लिए जो हमारा इनपुट सर्किट होता है, मीन जो हमारा एमिटर बेस सर्किट होगा, उसको हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। और फॉरवर्ड बायस हम करेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ बैटरी VBB। ये हमारी लो वोल्टेज बैटरी है VBB। तो बेस हमारा पी टाइप का बना हुआ है, तो बेस को जोड़ना पड़ेगा हमें बैटरी VBB के पॉजिटिव टर्मिनल से, और एमिटर जो है हमारा वो एन टाइप का बना हुआ है, तो उसे जोड़ना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VBB से। तो हमारे पास एमिटर बेस सर्किट मींस इनपुट सर्किट की फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और हमारा जो आउटपुट सर्किट रहता है, जो कि हमारा कलेक्टर एमिटर सर्किट है, उसे हमें रिवर्स बायस करना है। जो रिवर्स बायसिंग की जाती है आउटपुट सर्किट की, वो कलेक्टर को देख के की जाती है। कलेक्टर यहाँ एन टाइप का बना हुआ है, तो कलेक्टर एमिटर सर्किट को रिवर्स बायस करने के लिए हम यूज करेंगे बैटरी VCC। कलेक्टर हमारा एन टाइप का बना हुआ है, तो उसको हम जोड़ेंगे बैटरी VCC के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये हाई वोल्टेज बैटरी होती है एज कंपेयर टू बैटरी VBB। देखिए स्टूडेंट, जिस सिग्नल को हमें एम्पलीफाई करना है, मीन्स लो इनपुट हमारा AC वोल्टेज सिग्नल होगा, वो हम इनपुट सर्किट में देंगे, मीन्स एमिटर बेस सर्किट में देंगे। और जो हमारा सिग्नल एम्पलीफाइड हो गया हमें मिलेगा, वो हमें मिलेगा लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस। और लोड रेजिस्टेंस RL को हम कनेक्ट करेंगे आउटपुट सर्किट में, मींस कॉमन एमिटर सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा सर्किट डायग्राम। इस केस में हमारे पास जो हमें आउटपुट मिलती है वो आउट ऑफ फेस मिलती है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एम्पलीफायर तो मिल रही है बट हमें आउटपुट मिल रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। हमें नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में, और नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट AC वोल्टेज के लिए हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में। तो हम ये कहेंगे कॉमन एमिटर हमें आउट ऑफ फेस आउटपुट देता है एम्पलीफाइड फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि आप स्टार्टिंग में इसके थ्योरी में एग्जाम में क्या लिख के आएंगे। द सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर इज शोन बिलो। जो सर्किट डायग्राम होगा कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का, जिसमें हम यूज करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, वो कुछ इस प्रकार से होगा। हियर एमिटर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। यहाँ पर एमिटर को कॉमन किया गया है इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट में, इसलिए इसका नाम रखा गया है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। द इनपुट एमिटर बेस सर्किट इज फॉरवर्ड बायस विद बैटरी VBB। जो इनपुट सर्किट है हमारा ये वाला, वो जो कि हमारा एमिटर बेस सर्किट है, वो फॉरवर्ड बायस किया जाएगा। उसके लिए हम यूज करेंगे बैटरी VBB। और फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करेंगे? पी टाइप बेस को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, और एन टाइप एमिटर को कनेक्ट करेंगे बैटरी VBB के नेगेटिव से। तो फॉरवर्ड बायसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी इनपुट सर्किट की। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आगे।
एंड द आउटपुट कलेक्टर एमिटर सर्किट इज रिवर्स बायस विद बैटरी VCC, और जो हमारा आउटपुट सर्किट है जो कि हमारा कलेक्टर एमिटर सर्किट उसको हम रिवर्स बायस करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे हम हाई वोल्टेज बैटरी VCC, और उसके लिए हम एन टाइप कलेक्टर को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव से, तो उसकी रिवर्स बायसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले आपने बायसिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इनपुट सर्किट हमेशा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, आउटपुट सर्किट हमेशा रिवर्स बायस होना चाहिए अगर आप ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ऑपरेट करवाना चाहते हैं, एज एन एम्पलीफायर यूज करना चाहते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखेंगे। द लो इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल इज अप्लाइड अक्रॉस द इनपुट एमिटर बेस सर्किट। जिस AC वोल्टेज सिग्नल को, जिस लो AC वोल्टेज सिग्नल को आपने एम्पलीफाई करवाना है वो आप यहां पर देंगे। कहां पर देंगे? इनपुट सर्किट में देंगे। इनपुट सर्किट कौन है? एमिटर बेस सर्किट में देंगे। और एट द एम्पलीफाइड आउटपुट AC वोल्टेज सिग्नल इज टेकन अक्रॉस RL इन आउटपुट कलेक्टर एमिटर सर्किट। और जो एम्पलीफाइड होकर हमें AC वोल्टेज मिलेगी आउटपुट की फॉर्म में वो RL के अक्रॉस मिलेगी, और RL को हमने कनेक्ट किया हुआ है आउटपुट सर्किट के अंदर, मीन्स कलेक्टर एमिटर सर्किट के अंदर। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद सर्किट डायग्राम को हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे आखिरकार कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आखिरकार वर्क कैसे करता है, मीन्स वर्किंग ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए बात करते हैं वर्किंग ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। देखिए स्टूडेंट, जब हम इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल इनपुट सर्किट में नहीं डालेंगे, नहीं फेड करेंगे, तो उस केस में अगर हम क्रिचॉफ्स जंक्शन लॉ लगाएं, क्रिचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाएं एट पॉइंट ए। देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी जंक्शन में सर्किट के अंदर जितना करंट आता है उतना ही करंट बीप करता है। करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। तो यहां पर आने वाला करंट कौन सा है? ए पॉइंट पर एमिटर करंट है IE, और जाने वाले करंट कौन से हैं? एक है बेस करंट, एक है कलेक्टर करंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर एरोस की जो डायरेक्शन है वो हमने कैसे बनाई है? करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो करता है। तो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास VCC का यहाँ पर है, तो यहाँ से करंट निकलेगा IC, तो वो इधर से इधर जाएगा IC की फॉर्म में, और VBB से हमारे पास IB करंट निकलेगा, वो ऐसे घूमता हुआ यहाँ पर एमिटर करंट आएगा। एमिटर करंट जो है वो दो करंट का सम होता है, बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। इस पॉइंट पर अगर एमिटर करंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बेस करंट यहाँ फ्लो कर जाएगा इनपुट सर्किट में, और जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट सर्किट में फ्लो कर जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ लगाएं जंक्शन ए पर, तो हमारे पास एमिटर करंट किसके बराबर होगा? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के। जितने भी हमने अब तक वीडियोस देखे हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर बनाए हैं, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि एमिटर करंट, एमिटर सबसे पहले होता है, बीच में बेस होता है, फिर कलेक्टर होता है। एमिटर करंट ही बेस करंट और कलेक्टर करंट बनाता है, तो हमेशा एमिटर करंट, आपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, एमिटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा आउटपुट सर्किट है। अगर आप आउटपुट सर्किट में क्रिचॉफ्स का सेकंड लॉ लगाएं, जिसको हम क्रिचॉफ्स का वोल्टेज लॉ बोलते हैं, तो आप बड़ी आसानी से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज V0 फाइंड कर सकते हैं। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा सकते हैं, आप जो सी मर्जी डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, तो स्टूडेंट्स आपको हमेशा क्या रिजल्ट मिलेगा? V0 की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा ये मिलेगी, VCC - IC × RL। ये हमारे पास कैसे निकला है? क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाया हमने आउटपुट सर्किट में, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इसी इक्वेशन के से हम जो पूरी की पूरी वर्किंग है दो स्टेप्स में एक्सप्लेन करेंगे कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की। देखिए स्टूडेंट्स, होगा क्या, जैसे ही हम इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल देंगे तो उससे फॉरवर्ड बायसिंग इफेक्ट होगी। यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग हो जाता है, उसे सपोर्ट मिलेगा या उसको ऑपोजिशन होगा, उस हिसाब से हमारे पास एमिटर करंट जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज होगा। अगर एमिटर करंट चेंज होगा तो कलेक्टर करंट चेंज होगा, कलेक्टर करंट चेंज होगा तो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो डेफिनेटली चेंज होगी। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनपुट AC वोल्टेज सिग्नल देने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे। पहले आप देखते हैं कि वर्किंग की आप स्टार्टिंग में क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। When no AC voltage signal is applied to the input emitter base circuit, then applying Kirchhoff's first law at junction A, we get IE is equal to IB plus IC. पहले हम बात करेंगे कि हमने कोई AC voltage signal नहीं दिया input emitter base circuit में, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में अगर हम पॉइंट ए के ऊपर, जिसको हम जंक्शन बोलते हैं सर्किट के अंदर, जंक्शन ए पर अगर हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगाएं, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी? करंट एंटरिंग इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग। एंटर करने वाला करंट सिर्फ एक ही है इस ए पॉइंट पर, वो है एमिटर करंट, और जाने वाले करंट दो हैं IB एंड IC, तो IB प्लस IC, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन आउटपुट सर्किट, अगर हम आउटपुट सर्किट में यहाँ पर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएं, तो V0 की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो मिलेगी VCC - IC × RL, ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को यूज करके अब हम नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग ऑफ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इन टू स्टेप्स।
तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं वर्किंग के बाकी बचा हुआ पार्ट। लास्ट सेक्शन में हमने दो इक्वेशंस फॉर्म की थी, I इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, वी जीरो इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, इनपुट ए सी सिग्नल यहाँ पर देंगे जिसको हमने एम्पलीफाइड कराना है, इनपुट सर्किट में दिया जाएगा, वो एमिटर बेस सर्किट में दिया जाएगा। तो उसको हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल का तो क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल का, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये फॉरवर्ड बायसिंग को सपोर्ट करेगा, इनपुट सर्किट की फॉरवर्ड बायसिंग को सपोर्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल। उससे होगा क्या, जब फॉरवर्ड बायसिंग को सपोर्ट मिलेगा तो हमारा एमिटर करंट बढ़ेगा, एमिटर करंट बढ़ेगा तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ने का मतलब ये है कि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर आईसी बढ़ रहा है मींस नेगेटिव चीज बढ़ रही है, नेगेटिव वाली चीज बढ़ रही है तो वी जीरो जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, कम पॉजिटिव हो जाएगा मींस नेगेटिव होता जाएगा और नेगेटिव डायरेक्शन में आपको एम्पलीफाइड वी जीरो मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसलिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो आपको एम्पलीफाइड वोल्टेज तो मिलती है आउटपुट में, बट ऑपोजिट साइड में मिलती है मींस नेगेटिव साइड में मिलती है, क्योंकि वी जीरो जो है डिक्रीज होता है आईसी के बढ़ने के साथ साथ, मींस नेगेटिव 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 और नेगेटिव होता चला जाता है। तो वही देखते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ वर्किंग में आप क्या लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। नाउ इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज फेड टू द इनपुट एमिटर बेस सर्किट। अब आपने इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल दे दिया जिसको आपने एम्पलीफाई कराना है, कहां पर देना है, इनपुट सर्किट में देना है मींस एमिटर बेस सर्किट में देना है। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल कम्स इट सपोर्ट्स अ फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ इनपुट एमिटर बेस सर्किट। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल का, इस हाफ साइकिल की बात हो रही है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है पहले, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉरवर्ड बायसिंग का जो है सपोर्ट मिलेगा क्योंकि हमने इनपुट एमिटर बेस सर्किट को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, तो उसको ये सपोर्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल। ड्यू टू इट एमिटर करंट इंक्रीजेस एंड कंसिक्वेंटली कलेक्टर करंट इंक्रीजेस, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू वी नॉट बिकम्स लेस पॉजिटिव दैट इज मोर नेगेटिव ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ अप्लाइड सिग्नल। देखिए स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बायसिंग का सपोर्ट मिलने का मतलब यह है कि एमिटर करंट का बढ़ना, एमिटर करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो सेकंड इक्वेशन में नेगेटिव टर्म बढ़ेगी राइट हैंड साइड में, मींस वी जीरो जो है और ज्यादा नेगेटिव होता रहेगा, आपको एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा नेगेटिव साइड में। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ऐसे ही हम बात करेंगे नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल की, तब क्या हमें कैसी आउटपुट मिलेगी वो देखेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं वर्किंग के सेकंड पॉइंट की। जब नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज दिया जाएगा एमिटर बेस सर्किट में मींस इनपुट सर्किट में, या जब हम नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर इनपुट सर्किट की फॉरवर्ड बायसिंग को ऑपोजिशन मिलेगा, इनपुट सर्किट की फॉरवर्ड बायसिंग ऑपोजिशन मिलने का मतलब यह है कि एमिटर करंट डिक्रीज होगा, एमिटर करंट डिक्रीज होने का मतलब यह है कि कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा, कलेक्टर करंट डिक्रीज होने का मतलब यह है कि सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी जीरो का बढ़ना, वी जीरो और ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा जैसे जैसे कलेक्टर करंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा और हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा एम्पलीफाइड फॉर्म में आउटपुट वोल्टेज के अंदर। तो स्टूडेंट्स यही आपने लिख के आना है सेकंड पॉइंट में। आइए देखते हैं सेकंड पॉइंट की थ्योरी में आप क्या लिख के आएंगे। सेकेंड पॉइंट, व्हेन नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल कम्स इट अपोजिट द फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ इनपुट एमिटर बेस सर्किट। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा इनपुट एसी वोल्टेज सिग्नल का तो ये फॉरवर्ड बायसिंग को अपोज करेगा, किसकी फॉरवर्ड बायसिंग, इनपुट एमिटर बेस सर्किट की फॉरवर्ड बायसिंग को अपोज करेगा। यहाँ पे हम नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड बायसिंग को ऑपोजिशन मिलेगा। ड्यू टू इट एमिटर करंट डिक्रीजेस एंड कंसिक्वेंटली कलेक्टर करंट डिक्रीजेस, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन टू वी जीरो बिकम्स मोर पॉजिटिव। तो फॉरवर्ड बायसिंग ऑपोजिशन मिलेगा मतलब यह है कि एमिटर करंट का डिक्रीज होना, एमिटर करंट डिक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा, कलेक्टर करंट डिक्रीज होगा तो वी जीरो जो है और ज्यादा पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमें जो आउटपुट मिलेगी कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में वो एम्पलीफाई तो मिलेगी बट वो आउट ऑफ फेस होगी विद रिस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज सिग्नल। तो लास्ट लाइन में आप लाइन लिखेंगे, दस इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट द इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज आर इन ऑपोजिट फेस। तो पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग आपको नेगेटिव साइड में एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है आउटपुट वोल्टेज के अंदर, इसलिए आउट ऑफ फेस होती हैं इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल वोल्टेज कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ तक लिखाते हैं चाहे क्वेश्चन चार मार्क्स का है, पाँच मार्क्स का है, पाँच का ऊपर का नहीं आएगा तो आपको 100% जो है वो पूरे मार्क्स मिलेंगे। आपको सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ये वेव फॉर्म्स ड्रॉ करनी है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज की, और जितना मैंने आपको थ्योरी में बताया है उतना आपको लिख के आना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।